नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु आधुरी प्रथमे हेडलाइंस। मोदी द्वितीय पाली में प्रथम संप्रसारण संध्या 6टा रे मंत्रिमंडल संप्रसारण ज्योतिरादित्य सर्वानंद और सुशील मोदी को मिलपारे गुरुत्वपूर्ण दायित्व। ओडिशा रो अश्विनी वैष्णव और विशेश्वर टुडु ना को चर्चा। आवास केलेंकारी ने बीजेपी रणहुंकार आज जो तीन दिन थरी राज्यव्यापी आंदोलन जन निरीक्षण कमिटी गठन नहीं समीर महांती परामर्श सामिल हूं तो गांव मुरब्बी महिला और युवक। पूरी गस्तर केन्द्रीय टीम कोविड परिचालना सह टीकाकरण अग्रगति नहीं सीडीएमओं सह कले आलोचना कंटाक्ट ट्रेसिंग ट्रीटमेंट और स्वास्थ्य भित्तिभूमि पर गुरुत्व। कोरोना डेथ्रे राज्य में रेकर्ड 59 जीवन नेला भाइरस सेपटे स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरोज मिश्र कहले कटक न मानिले बढ़ संक्रमण संपूर्ण भैक्सीनेटेड लोकों कोरोना कोविड नियम मानवा को दे परामर्श। कोविड भैक्सीन को नहीं भल खबर टीका नहीं 95% जाए ह्रास पाई मृत्यु हार दुईट डोज नहीं अक्सीजेन कमी आईसीयू भर्तीर डर कमु आईसीएमआर गवेषणा दे आश्वस्त। परलोक वरिष्ठ अभिनेता दिलीप कुमार 98 वर्ष में मुंबई में सुपरस्टार देहांत तो शोक व्यक्त कले अगणित फैंस और विशिष्ट व्यक्तित्व तो। दीर्घ दिन धरी वयस जनित रोग सह लड़े करुले ट्राजेडी श्रीमंदिर आज घना लागि परे खड़ी और खड़ी लागि नीति अणसर गृह में गोपन नीतिकांति घंट काहाली सह मंदिर को खड़ी प्रसाद दीजे। आसिया संपूर्ण खबर को मोदी द्वितीय पाली सरकार प्रथम संप्रसारण चर्चा दिल्ली में बढ़ुछे नेतांको गहली आज अपराह एने घोषणा होबार संभावना रही वर्तमान सरकार में 53 जन मंत्री थिबा बेले आउ 28 टी पद खाली रही वर्तमान प्रधानमंत्री बासभवन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गृहमंत्री अमित शाह आसाम पूर्वतन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल प्रमुख पहुंची सारी संध्या 6टे नुआ मंत्रिमंडल शपथ नहीं पारती ज्योतिरादित्य सिंधिया अजय मिश्र राजेन्द्र अग्रवाल वरुण गांधी राजीव रंजन नारायण राणी सुशील मोदी मीनाक्षी लेखी रीता बहुगुणा जोशी प्रमुख चर्चा जोर धरी ओडिशा रु अश्विनी वैष्णव और विश्वर टुडू ना को नहीं चर्चा जोर धरी अंपटे नुआ मंत्रालय मिनिस्टर कॉर्पोरेशन दायित्व कहा पाखरे रहिबो मध्य नजर रही आगको 5टी राज्य में निर्वाचन थिबारो मध्य फोकस रही पारे तबे उत्तर प्रदेश गुजरात मणिपुर पंजाब उत्तराखंड में निर्वाचन हेबाकु जाउछि। इन अधिक सूचना पाई आम सहित दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल जोड़ी रही गगन जो कथा कह जाता अर्थात आउ किसी समय अपेक्षा जेहेतु दिल्ली में देखु आम जे नेता मंत्री सेठे गहली जमुई दबदबा आज जमुई कितु ए सबू भितर के मंत्री ना रु कहार ना बाद दिज्व ए सबु भितर गोटे आशा आशंका कौन प्रकृत ये आशा आशंका तो चर्चा रे अनेक मंत्री ना रही किंतु टीम मोदी आसब कि अर्थात ये टीम मोदी रे क्या सुजोग मिल ये द्वितीय पाली सरकार प्रथम संप्रसारण चर्चा दिल्ली में बढ़ुछे नेता गहली आउ किसी समय अपेक्षा अर्थात आज अपराह एने घोषणा होबार संभावना रही वर्तमान सरकार में 53 जन मंत्री थिबा बेले आउ 28 टी पद खाली रही वर्तमान प्रधानमंत्री बासभवन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गृहमंत्री अमित शाह आसाम पूर्वतन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल प्रमुख पहुंची सारी तेज संध्या 6टे नुआ मंत्रिमंडल शपथ नहीं पारती आगको 5टी राज्य में निर्वाचन थी फोकस उत्तर प्रदेश गुजरात मणिपुर पंजाब उत्तराखंड में निर्वाचन होगा फोकस रखी अंपटे नुआ मंत्रालय मिनिस्टर कॉर्पोरेशन दायित्व क्या पाखे रहा नजर रही
अनेक प्रमुख नेता चर्चा जोर धरी बेले भितर अनेक मंत्री को बाद दि जाए जहां आशा आशंका किंतु सब भितर पुनच्छेद पड़ा आ कि समय पर अर्थात आज अपराह एने घोषणा वर्तमान सरकार में 53 जन मंत्री थी बेले आउ 28 टी पद खाली पड़ी। प्रधानमंत्री बासभवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंची सारी, गृहमंत्री अमित शाह पहुंची सारी, आसाम पूर्वतन मुख्यमंत्री पहुंची सारी, जो ना चर्चा जोर धरी विशेषकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय मिश्र, राजेन्द्र अग्रवाल, वरुण गांधी, राजीव रंजन, नारायण राणे, सुशील मोदी, मीनाक्षी लेखी, रीता बहुगुणा जोशी प्रमुख ना चर्चा बे जोर धरी। अनेपटे अनेक मंत्री नाम बाद दि जाए जहां सूचना आसी पहुंचुची एवं वर्तमान जो चित्र आपण देखुं जड़े पर जड़े मंत्री आसी पहुंचुंट अर्थात प्रधानमंत्री बासभवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंची सारी। एने अधिक आलोचना आम सहित गगन विश्वाल प्रतिनिधि फोनलाइन जोड़ रही। गगन, जो आशा आशंका आ कि समय अपेक्षा रही दिल्ली में देखु नेता मंत्री गहली जमुई बेस दबदबा जमुई एसबु भितर कौन आशा आशंका प्रकृत में क्या सुजोग मिल देखो निश्चित भाव बर्तमान देखिए प्रधानमंत्री बासभवन जो बैठक था से बैठक बर्तन गोटे प्रकार शेष होती तेज निश्चित भाव नेता जो मैंने भेतर थे बर्तन बाहर को आसवा लगे निश्चित भाव में ट्राए कर प्रतिक्रिया नाई जो थी कि आम देखी जो एंट्री होते सब नेता से दिल्ली सांसद मीनाक्षी लेखी कथा कहतु आसाम पूर्वतन मुख्यमंत्री जी रही सर्बानंद सोनोवाल कथा कहतु ओडिशार जे राज्यसभा सांसद रही अश्विन बैष्णव कथा कहतु अनेक नेता अश्विन वैष्णव कथ कहतु अनेक नेता भिड़ देखा मिलता प्रधानमंत्री आवास में जहाँ बर्तमान कनफर्म आसी राष्ट्रपति भवन में जो संध्या छटे शपथ ग्रहण उत्सव रही सामिल होती शेष थर पर हूं प्रधानमंत्री आवास कल जाने आसी प्रधानमंत्री को भेटी बर्तमान गोटे प्रकार प्रधानमंत्री सहित से बैठक शेष होती बाहर को आसवा लगी तेज क्यों क्यों नुआ मुह नुआ चेहरा बर्तमान मंत्रिमंडल सामिल होती राज्यवासी देशवासी नजर रही देखिए नुआ जो कैबिनेट रिसफल हो द्वितीय टर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये द्वितीय टर्म जेहेतु प्रथम थर पर ये रिसफल होती तो निश्चित भाव अनेक आशा ही रही अनेक राज्य आगक जेहेतु देखिए दीदी जो निर्वाचन रही खास कर जो चारोटी राज्यर निर्वाचन रही उत्तर प्रदेश कथा कहतु उत्तराखंड कथा कहतु हिमाचल प्रदेश कथा कहतु मणिपुर पंजाब जो राज्य में निर्वाचन रही तेज यह आशा रखा जा दृष्टि में रखिक कौटना कौटी प्रधानमंत्री निज कैबिनेट चयन करोथे कि युवावर्ग को विशेष फोकस करोथे जहां इनफर्मेसन आसूची पाखापाखि 25 नेता और 10 जन जो रही एससी कम्युनिटी 10 जन एससी कम्युनिटी 10 जन और युवावर्ग को खास कर युवावर्ग को जेहेतु प्रधानमंत्री अधिक फोकस करेणु अधिक युवक को सामिल करे से ज्योतिरादित्य सिंधिया जिकि मध्यप्रदेश सरकार गठन करिवारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करते कांग्रेस छाड़ी से बीजेपी में सामिल होती दीर्घ दिन सहित से कांग्रेस निश्चित भाव नाम सबु आगे चर्चा रही ये भितर ओडिशा परिप्रेक्षी में जी कहशा परिप्रेक्षी में अश्विन वैष्णव ना सबु आगे चर्चा रही यापर विशेषकर सुधु जे मयूरभंज सांसद रही नाम चर्चा होती कन्फर्मेसन मो पाखे पहुंची पारूनी जे आसी बैठक में सामिल होते कि नहीं निश्चित भाव अपेक्षा रहा संध्या 6टा जो से पहुंचे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री को जेहतु शेष थर पर भेटी निश्चित भाव किसी बार्ता देखे निश्चित भाव प्रधानमंत्री किभली भाव आगक कार्य कर रही जेहतु नुआ मुह सामिल है निश्चित भाव से पाखे जेहतु से मात्रा एक्सपीरियंस नहीं तो निश्चित भाव नुआ दायित्व से किभली भाव निभावे निश्चित भाव सेम नहीं निश्चित भाव गुरुत्वपूर्ण मेसेज प्रधानमंत्री को से पाते निहाती भावे नुहा चेहरा सामना को आसवा को जाउछंती अनेक मंत्री ना आगे थिबा बेले अनेक मंत्री बाद पड़ी पारंती किंतु ए सबुर अपेक्षा संध्या 6टा परे ही स्पष्ट होइ जेबो। बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपणकर तमाम सूचना पाई। टीम मोदी मंत्रिमंडल संप्रसारण चर्चा भितर आज हेबाकु थिबा केन्द्र कैबिनेटर बैठक बातिल होइछे। सेपरी अर्थनैतिक व्यापार उपरे कैबिनेट कमिटी बैठक मध्य हेबनी आज दिन 11टा बैठक कार्यक्रम थिला। बैठक में केन्द्र सरकारी कर्मचारी डीए संपर्क में बड़ निष्पत्ति आशा करा जाउथिला। आवास योजना रे केलेंकारी कुने बीजेपी रण हुंकार आज तीन दिन धरी राज्यव्यापी आंदोलन को ओल्हाइछि दल। आवास योजन होइछि 1000 कोटी महा घोटाला गरीब हिताधिकारी धोखा कर राज्य सरकार
केन्द्रीय टीम तदंत दस्तावेज आधार में यह दुर्नीति सामना को आसिबा परे राज्य सरकार को विरोध में तीव्र होइछे बीजेपी स्वर मुंड उपरे पक्का घर बन्या बात्या को नाही डरर स्लोगान रे केते वास्तवता ताहा केन्द्रीय टीम तदंत दस्तावेज रे राज्य सरकार को मिछ को धरा पकाइछे आ पदरे पड़ी राज्य सरकार को पक्का घर बाहस्फोट कुमर जहाँ को नहीं आज राज्यर समस्त ब्लॉक रे आंदोलन को ओह्लाई बीजेपी इन अधिक सूचना पाई आम सहित लोई सिंघारू आम प्रतिनिधि राधेश्याम हाथी आम सहित जोड़े रही राधेश्याम जानिया को चाहिबो वर्तमान सेठाकर स्थिति कौन एवं बीजेपी नेता मानक पक्षरु जेहेतु आज आंदोलन को ओल्लाई तो सेठाकर चित्र कौन देखुं प्रधानमंत्री आवास योजना ब्लॉक कार्यालय सम्मुखे उपस्थित अच्छा एवं जे कि लोसिया विधायक डॉक्टर मुकेश महाली अच्छा नेतृत्व में बर्तमान देखते सीधा असल भाव में लोक उद्बोधन देखते कि समय पर दावी पत्र देने आम लोसिया विधायक आज लोईसिंगा निर्वाचन मंडल भारतीय जनता पार्टी हजार हजार लोक आज विक्षोभ प्रदर्शन जोड़ी आम मुख्य अभियोग है प्रधानमंत्री आवास योजना बंटन रे देन केंद्रीय टीम रिपोर्ट देखन से पांचटा जिला नौटा ब्लॉक रो रिपोर्ट से भितर हजारे कोटी टंकार दुर्नीति ओडिशा सरकार हजारे कोटी टंकार दुर्नीति आपड़ी देखे दुई हजार एक बैश लगी जेन प्रधानमंत्री आवास योजना बंटन है पश्चिम ओडिशार नौटा जिला बलांगीर जिला बरगढ़ बौद्ध कलाहांडी सुंदरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा सबु जिले बिग जीरो शून शून घर आवंटन हेचन बोले पश्चिम ओडिशार लोक जी अच्छा क्या ओडिशार लोक नहीं से ओडिशार लोक जदि हेते इ प्रकार असम्मान आमको नहीं कर एक बैश रे तुम ओडिशा सारा लिस्ट का आठ लक्ष सतर हजार लोक मान घर आवंटन करवार लगी यहाँ प्राय अढ़े लक्ष जब कार्ड सीडिंग कर बसल न दुई हजार एक बैश रे किंतु पश्चिम ओडिशार नौटा जिला के आपण मैने शून घर दे घर बिल्कुल दे ही नहीं अज्ञा जो शून घर जो दे मुख्यमंत्री को अपारगता जो है बिल्कुल ओडिशा सरकार अपारगता आपण ओडिशा सरकार अपारगता आपण जेते बेले 2019 रे आवास प्लस जेते बेले खुल्ला आवास सॉफ्टवेयर तुम कहीं से दुई बरस होगा से अपलोड नहीं कल तो अपलोड समय सरीगला तो यहाँ हूँ ओडिशा सरकार अपारगता आउ इमाने दुर्नीतिखोर इमाने विजु जनता दल रोक मान दलय आधार में घर बंटन करुचन देखु जे कि सीधा सड़क भाव में अभियोग करसिया विधायक कहते ओडिशा सरकार का वैमातृक मनोभाव जो आज अंचल लोक मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना पाइव वंचित आम सहित जड़े अच्छा जो प्रतिक्रिया करने आज्ञा प्रधानमंत्री आवास योजन के प्रकार व्यापक दुर्नीति हो आज्ञा जेन मानक एससीसी लिस्ट देकरे भी दस कोड़े हजार देवे चालीस नंबर लोग पहुंचे नौ आठ नंबर एक नंबर लोग नहीं पाबा जेनटा कि ज्वलंत प्रमाण दुर्गा ब्लॉक ईश्वर चाहूर लोसिया भी हमटा के कमी आज्ञा खजूर गच मूल श्रेष्ठ कौन बाजट भत्ता ये भत्तार भी दुर्नीति देखते कहते हैं जो लोसिया ब्लॉक अच्छे लोसिया ब्लॉक विडियो मनमाने जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना पाई तो गरीब हिताधिकारी आम सहित आज शेष प्रतिक्रिया नवा आज्ञा कौन कह विडियो नीति कमी अच्छी आज्ञा विडियो प्रति आर सरकार पंचायत इो प्रति लिस्ट नहीं आए उपरू लिस्ट नहीं आए कैन देव बोजन है छपर घर नहीं रास्ता कुंड रही सरकार पंचायत रोड रास्त काद मारिक चलुंट आज नवीन सरकार सुई जे तक जेन मान पैसा देने से घर दौन विडियो पठाचे
जो अभियोग आसो रणहुंकार दि जाए बीजेपी पक्ष विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजन किभली घोटाला हो आ से अभियोग करते बीजेपी नेता बहुत बहुत धन्यवाद जन लोई सिंहराम प्रतिनिधि राधेश्याम हात्याम सहित जोड़ रही थे। सेपटे प्रधानमंत्री आवास योजनार सठिक क्रियान्वयन राज्य बीजेपी सभापति परामर्श योग्य हिताधिकारी चयन ठार गृह निर्माण पर्यंत तदारख तथा स्वच्छता नुआ फर्मुला रखिछन्ते समीर महांति गाँ मुरबी साही मुखिया युवक और महिला संघर कर्मकर्ता पंचायत स्तर में जन निरीक्षण कमिटी गठन करने को राज्य सरकार को परामर्श देते बीजेपी महिला मोर्चा सभानेत्री स्मृति पट्टनायक सांबादिक सम्मेलन बीजेडी आईटी सेल कार्यकलाप को नहीं बर्षिले स्मृति दलर साधारण संपादक लेखाश्री समंत सिंघार को बीजेडी आईटी सेल अपशब्द प्रसंगे मुख्यमंत्री को टार्गेट कले स्मृति बीजेपी अनेक नेत्री सोशल मीडिया जरिया कदर्य भाषा व्यवहार कर दल पुलिस पाखे अभियोग कले भी कौन कार्यानुष्ठान कौन बीजेडी माकुश मान जड़े राष्ट्रीय दलर वरिष्ठ नेत्री को ये केमिका व्यवहार बोली प्रश्न करिछते श्रुति ये सही दल तो जो दल रे माँ को सम्मान बोली कह जाऊँ माँ को सम्मान देवार स्लोगान तैयारी कराऊँ ये सही दल तो आज्ञा जो दल कह 60 लक्ष स्वयं सहायिका गोष्ठी आम ओडिशा रे तैयारी करछु सशक्त करने महिला शक्ति को ओडिशा रे महिलार स्थिति अवस्थिति विषय आम समस्त जानिछु से चाकरी क्षेत्र हो सामाजिक हो घर भितर हो सबुठी निर्यातित अत्याचारित बलात्कारित अवस्था महिला थिला बेले आज सोशल मीडिया रे मध्य ए कथा को तुम्हें छाड़ू ना नवीन बाबू कौन जानी पारु नहंती नवीन बाबू सो जानी प्रोत्साहन दौंत काम करने का जदि प्रोत्साहन दौ न थांते ताले आज जाए कौन से कार्यानुष्ठान कहीं नि मो मन पकईदेक चाहिए 2019 कथा केउंझर रे एमपी प्रार्थिनी चंद्राणी मुर्मू जितेबाला वीडियो वायरल है आमर जोड़े चेटा कार्यकर्ता से वीडियो को तो तैयारी करनते केवल निज अकाउंट सेयार करदे तुम्हें 6 मास धरिकिना जेल भितर भर्ती कल आज आम पाखे तथ्य अच्छी एकाउंट रू से शब्द प्रयोग कर आज जाए कौन से कार्यानुष्ठान नवीन बाबू प्रश्न देवार समय आजु जनता दल जो महिला मैंने काम करता दल अंडर रे तार सिंबल अंडर रे से निजुक निजे प्रश्न करंतु से निजे सुरक्षित पूरी गस्तरे केन्द्रीय टीम कोविड परिचालना सह टीकाकरण अग्रगति नहीं सीडीओं सह विस्तृत आलोचना करिछन्ते कंटाक्ट ट्रेसिंग ट्रिटमेंट व स्वास्थ्य भित्तिभूमि उपरे दियाजबो गुरुत्व सहरर विभिन्न कोविड हस्पिटाल गस्त सह ग्रामांचल होइथिबा कोविड केयर सेंटर परिदर्शन करिबे केंद्रीय टीम कोरोना को नहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र रखिले प्रतिक्रिया से कहते आमे जो कष्टर मुकुछते से किसी शिखिले ना ढिला मारिदेले सेकेंड वेव न सर पूर्व सेलिब्रेशन आरंभ करते सेकेंड वेव कंटिन्यू कर कारण जो भाई संक्रमण कमिबा कथा आउ कमुनि बर बढ़िया लगला आम राज्य प्लाटो स्टेज में रही सतर्क रहिबाकु पड़िबो नचे तामे एथिरु मुकुलिबा कष्टकर होइछबो सबुठो चिंताजनक विषय केरल आसी एजुकेटेड लोक अच्छा किंतु तांकर केस 14,000 टपी कला दोष आमर सरकार को दोष ना लोके कोविड नियम पालन करूना वैक्सीनेशन होइथिले मध्य कोविड नियम मानिबाकु पड़िबो बोली डब्ल्यूएचओ मध्य कहि सारिछे दोष आम मान कह गवर्नमेंट तो सब करें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने जोटा कि मानने सब एक्सपर्ट कही आसुच्चे इवेन डब्ल्यूएचओ बारंबार कहला जहाँ भी वैक्सीनेशन हो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आम मस्ट
ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆଡିକୁଏଟ୍ ଲୋକ ୱାର୍ଲଡ ଓଭର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୁହେଁ ୱାର୍ଲଡ ଓଭର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନେ ରଖିବା କଥା। ସେଇଟା ନହେଲାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳର କେସେସ୍ ବଢ଼ିଲାଣି। କାଲି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଇମେଜେସ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେଉଁ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାନଙ୍କରୁ, ମନାଲିରୁ, ମାନେ ପୁରା ସେଠି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହାନ୍ତି କହିଛି, ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼, ଯଦି ସେତେ ଭିଡ଼ ହେବ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଫେର୍ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଫେର୍ ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରଖନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ଧରନ୍ତି ୟୁକେରେ, ତାଙ୍କର ଫେର୍ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ଆସିଲା, ଏତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପରେ 27,000 ପର୍ ଡେ ଆସିଗଲା ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ। ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରେଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲରେ, ତାଙ୍କର ସେଠି କେସେସ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି, କାଲି 60 ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ସରିଗଲା ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ବାଂଲାଦେଶରେ ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆମର ଯେମିତି ଯେଉଁ କଷ୍ଟରୁ ବାହା ମୁକୁଳିଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେସନ୍ ଶିଖିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଢିଲା ମାରିଦେଲେ, ଆମେ ଭାବିନି ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ଏବେ ବି ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ତ ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ପସିବିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ସରିନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, କୋଭିଡ୍ ଚାଲିଗଲା, ବୁଲାବୁଲି କଲେ କେମିତି ହେବ? ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ପୁଣି 69 ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4,358 ପହଞ୍ଚିଛି। ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 10 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ପୁରୀରୁ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 2,602 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 529, କଟକରୁ 397, ଯାଜପୁରରୁ 183, ପୁରୀରୁ 174 ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 164 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 28,730 ପହଞ୍ଚିଛି। କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ଭଲ ଖବର, ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଗବେଷଣା ଦେଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 2 ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ 95% କମୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଡର। ସେହିପରି 1 ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ 82% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ବିପଦ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ 77%କୁ କମିଯାଏ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ 95% କମିଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା 94% କମିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 1,17,000 ପୋଲିସ କର୍ମୀ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଟିକା ନେଇଥିବା ଓ ନ ନେଇଥିବା ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 1 ଫେବୃଆରୀ 2021 14 ମେ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସର୍ଭେ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ଦେଶରେ 34,703 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଓ 90 ଦିନରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।